इजी इजी सजेशंस दे रही है मुझे और मेरा कंटेंट बनता हुआ जा रहा है। नाउ गाइस चलो मैं एवरेज 5000 मान लेता हूँ, 5000 पे करके मैं लाखों रुपए का ट्रैफिक उठा रहा हूँ, 5000 पे करके लाखों रुपए का ट्रैफिक उठा रहा हूँ, तो ये जस्टिफाइड है। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इस वर्ड को ना काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना ही है ना तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं कमा सकते। आई एम टेलिंग यू नहीं कमा सकते, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत, हाँ ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके किया जा सकता है, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बिजनेस इस दुनिया में तो नहीं किया जा सकता। एक रिक्शा वाला भी रिक्शा चलाता है, रिक्शा को हायर करके मतलब किसी से रेंट पे लेके या फिर खरीद के, तो आप तो ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहे हो। तो आज मैं इस सेशन के अंदर आपको ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं उसका एक बहुत जबरदस्त सोर्स देने वाला हूं, एक ऐसा सोर्स जिसके बिना ऑनलाइन में कुछ चीजें चली नहीं सकती, वो है कॉन्टेंट। यस गाइज, आज मैं आपको कॉन्टेंट राइटिंग का एक ऐसा स्किल विद टूल्स देने वाला हूं कि अगर उन टूल्स को चलाना आपको आ गया तो गाइज आप कॉन्टेंट के किंग बन जाओगे, और जो कंटेंट का किंग है इस टाइम पे मतलब जिसको कंटेंट बनाना आता है वो इंटरनेट में छाया हुआ है, उसको इंटरनेट से इतना ट्रैफिक मिलता है कि उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली आपको वही आज मैं करवाने वाला हूं। तो गाइज सेशन बहुत जबरदस्त है, सेशन के अंदर आई वुड से कि इतना नॉलेज मैं दूंगा कि आपने अगर आज ये सीख के ना अप्लाई कर लिया, सीखते तो बहुत लोग हैं, देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अप्लाई कर दिया ना तो आप आने वाले 3 महीने के बाद मुझे मेरे किसी वीडियो में कमेंट करते मिलोगे कि सर थैंक्स अ लॉट कि आपने उस दिन ये वीडियो दे दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं वीडियो देता रहूंगा ऐसे ही अगर लाइक आते रहे, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। तो गाइस आज मैं आपको एक साइट दिखाने वाला हूं, दैट साइट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं, loudreview.in इज माय साइट। तो ये वो साइट है जिससे मैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, एज यू कैन सी दैट, अगर आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, loudreview.in जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें एफिलिएट बेसिकली माइंड में रखते हुए कि एफिलिएट इनकम को प्रायोरिटी देते हुए मैंने इस साइट को बनाया है, एंड देन इफ आई बी शोइंग यू, तो इस साइट के अंदर जो कॉन्टेंट है वो हम कैसे बनाते हैं और उस कॉन्टेंट का फायदा सीधा क्या हो रहा है वो देख लो पहले, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सको। तो गाइज आप देख रहे हो इस साइट के अंदर अभी तक टोटल 105,000 इंप्रेशन आ चुके हैं, जस्ट लुक एट इट, 105,000 इंप्रेशन, मतलब सिर्फ 40 कंटेंट है इसके अंदर, सिर्फ 40 कंटेंट, 40 या 45 कंटेंट हो गए, आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा होगा, और उससे भी हमने 1,00,000 इसमें इंप्रेशन जनरेट कर लिया है गूगल पे सर्च पे, जिससे आराम से तकरीबन 733 क्लिक्स हमने जनरेट किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एवरेज टाइम है मतलब लोग आके इस कंटेंट को पढ़ते हैं वो 3 मिनट से ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम, और ये क्लिक्स दिन ब दिन इसके बढ़ते जा रहे हैं, 67% का ग्रोथ है, इंप्रेशन में 146% का ग्रोथ है, और यूनिक विजिटर्स में 7.6% का ग्रोथ है। अब मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई। गाइज ये तब पॉसिबल हुई जब इस साइट के अंदर जो कॉन्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी कॉन्टेंट है, मतलब एक ऐसा कॉन्टेंट जो कि गूगल को ये मजबूर कर देता है कि वो ट्रैफिक इस साइट में भेजे, क्योंकि ऐसा कंटेंट गूगल के पास शायद और ना हो। आई कैन शो यू राइट देयर, सो आप देख सकते हो गाइज ये कंटेंट हमने इस साइट के लिए बनाया है, तब जाके गूगल ने एडसेंस भी अप्रूव किया है, यू कैन सी दैट एडसेंस भी चल रहा है और प्लस ट्रैफिक भी आ रहा है, वो तो मैंने आपको शो ही कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ कि इस टाइप के कॉन्टेंट कैसे बनाए जाते हैं, सीक्रेट बताऊँगा गाइज, सिर्फ 1 घंटे में आप 1500 से 2000 वर्ड के आर्टिकल ऐसे देखते देखते लिख लोगे। बताओ सीक्रेट, जल्दी से लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं यहाँ पर 2 बहुत ज़बरदस्त टूल का इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 1, मेरे पास ग्रामरली है गाइज। ग्रामरली मुझे क्या हेल्प करता है, आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं ग्रामरली इज़ अ टूल जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपके ग्रामर को बहुत ज़्यादा मतलब पूरे सेंटेंस को ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना के दे देता है आपके लिए, मतलब कोई भी एरर नहीं रखता है। तो मैं ग्रामरली का डेफिनेटली यूज़ करता हूँ। सेकेंडली जो इसका यूज़ करता हूँ ना गाइज, ये मेरे लिए प्लेजरिज्म निकाल के देता है कि अगर मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ क्या वो प्लेजराइज्ड है। अगर प्लेजराइज्ड है तो आप भूल जाओ कि आप रैंक करोगे, क्योंकि गूगल एक ही कंटेंट को 2 जगह पर रैंक क्यों कराएगा, कि आपका भी करा दिया किसी और का भी करा दिया, दोनों सेम हुआ तो कंटेंट रैंक नहीं करेगा। तो इसीलिए ये टूल 2 चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक तो मैं जो लिख रहा हूँ वो परफेक्टली ग्रामेटिकली कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है, ये ग्रामेटिकली वो परफेक्ट है या नहीं है, और उसका सेंटेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीमियम टूल है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाता है मेरे वॉइस को प्रोफेशनल बनाने में,
और सेकंड ये मुझे प्लेजरिज्म को चेक करने में हेल्प करता है, तो मुझे अलग से प्लेजरिज्म को बाय नहीं करना पड़ रहा, मतलब प्लेजरिज्म टूल को बाय करना नहीं पड़ रहा। तो अगर आपको इसका डिस्काउंटेड लिंक चाहिए, और इतना डिस्काउंट कि आप सोच नहीं सकते, वो तो मैंने नीचे दे दिया है लिंक पे जाके, अगर आपको बाय करने का मन है तो कर लेना, टूल बहुत अच्छा है। बाकी फ्री में भी यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री में इतना आपको फायदा नहीं मिलेगा जितना मुझे मिल पाता है। दैट इज द नंबर वन टूल। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टूल जिसने मजा बांध दिया मेरे लाइफ में, मेरी ये पूरी साइट जो है ना, इस साइट के अंदर जो पूरा कॉन्टेंट है ना गाइस, आई स्वेयर स्वेयर बोल रहा हूं, मतलब आप चेक भी कर लेना, ठीक है, पूरा इसमें बनाया हुआ है। इसमें हो सकता है 20-30% वर्ड हमारे हो, लेकिन 70-80% वर्ड जो है इस टूल ने बना के दिया है, इस AI टूल ने बना के दिया है। और अगर मैंने इसका भी लिंक दे दिया है और डिस्काउंट वाला लिंक दिया है, इतना डिस्काउंट जितना कि आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला, तो आप नीचे जाके क्लिक करो और देखो कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लो। तो ये दो इन्वेस्टमेंट मेरे रहते हैं राइटिंग को लेके, और मैं इस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अर्न कर पाता हूँ। शायद आपको पता ही होगा कि अगर 100,000 इंप्रेशंस, मतलब मेरे साइट के ऑलमोस्ट सारे पेजेस रैंक कर रहे होंगे तभी तो इतने इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो इतने इंप्रेशंस के बाद सोचो एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग का मिला के कितना अर्न होता होगा। अगर आपको अर्निंग देखनी है तो गाइस मेरे लाइव वेबिनार पे आओ। मैं कभी भी यूट्यूब वीडियो में अपनी अर्निंग नहीं दिखाता हूं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो एडिट की जा सकती है, लाइव कभी भी एडिट नहीं होता है। तो इस संडे सुबह 11 बजे मैं लाइव वेबिनार ले रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। एक वेबिनार 3 घंटे का होने वाला है जिसमें पूरा एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको सिखा दूंगा। आई प्रॉमिस, बिलीव नहीं होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और आपसे पहले वाले वेबिनार के बच्चों के आप फीडबैक जाकर देख लो, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 149 रुपीज का कॉस्ट होगा, 3 घंटे में पूरा एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। तो ना आई विल बी शोइंग यू गाइस, इसका पूरा कॉन्टेंट जो है ना AI से लिखा हुआ है, सिर्फ 20% हम इसमें मैनुअल काम करते हैं, और वो भी मैनुअल काम करने में मुझे ग्रामरली हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको वो पूरा दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल आई कैन शो यू गाइस, सबसे पहले तो मैं SEM रश में चलता हूँ, अभी आपको SEM रश में जाके दिखाता हूं कि मेरे पास जो हमारी साइट है, फॉर एग्जांपल ये loudreview.in जो है, आई कैन शो यू राइट नाउ कि इसके अंदर आप देख पा रहे हो राइट नाउ जल्दी से। सो गाइस टॉप 10 में 6 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं हमारे, टॉप 10 पे 6 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत लोग बोलते हैं कि AI टूल जो है वो जो कंटेंट जनरेट करती है गूगल उसको रैंक नहीं कराता है। काफी हद तक ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि पूरा आप AI पे डिपेंड रहोगे तो नहीं होगा, तो इसलिए मैं एक और टूल का इस्तेमाल करता हूँ, ग्रामरली। ग्रामरली में मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, मतलब लेता AI से हूँ और चेंज कर देता हूँ, तो वो मेरा बिल्कुल एकदम ह्यूमन टोन के अकॉर्डिंग मेरा जो कंटेंट है वो बन जाता है, और फिर मुझे कोई पेनलाइजेशन या पेनल्टी नहीं लगती है, और जिस वजह से मेरे 6 तो गाइस टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, और ये साइट सिर्फ 4-5 महीने पुरानी साइट है। यस, 6 टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, टॉप 20 में 50 रैंक कर रहे हैं, और टॉप 100 में 229, मतलब 229 कीवर्ड्स के लिए तो मैं एलिजिबल हो गया हूं आज से। बस इन 229 कीवर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 50 को 20 पे ले आए हैं, और उन 50 से भी 6 को हम 10 पे ले आए हैं। तो इस तरीके से पूरे 229 को अगर हम टॉप 10 पे ले आए ना गाइस, ट्रैफिक की बरसात हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल हमारा एक कीवर्ड आप देख रहे हो, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2500, इस पे तो हम 5 पे रैंक कर रहे हैं, 5th पोजीशन पे। ये सारे कीवर्ड्स देख रहे हो, टॉप 10 वाले पोजीशन से गाइस, और कैसे कैसे जंप कर रहे हैं, 45 रैंक जंप करते हुए 5 पे आए हैं, 3 रैंक को जंप करते हुए 7 पे आए हैं, 18 रैंक को जंप करते हुए, मतलब 18+8 थे एक टाइम पे, अब 8 पे है। तो इस तरीके से आप देख रहे कि हम जंप करते करते अपने फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, और फर्स्ट पेज का आपको पता है कि कितना जबरदस्त इंपैक्ट होता है आपके ट्रैफिक के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताऊं, तो आज मुझे अगर कंटेंट लिखना है मेरे एक किसी आर्टिकल पे, तो मैं कॉपीमैटिक का किस तरीके से वाइज इस्तेमाल कर सकता हूं। एक तो होता है इस्तेमाल, एक तो होता है कि आपको बस आता है कि ये टूल कंटेंट लिख पाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से कंटेंट लिखवाना आना चाहिए। जैसे मैं जिस तरह से गाड़ी चलाता हूं ना, वो रेस नहीं जिता सकता मुझे, लेकिन माइकल शुमाकर, नारायण कार्तिकेयन, ये जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं ये रेस जीत जाते हैं। तो वो रेस जीतने वाला जो सक्सेस है वो कैसे मिलेगा आपको इस टूल के थ्रू, वो जल्दी से आप पकड़ लो। लाइक कर लिया आपने अभी तक वीडियो को, कर लो गाइस, जबरदस्त, मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूं, जल्दी से कर लो। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना एक कीवर्ड जो है वो रिसर्च करके रखना होता है। लास्ट मैंने वीडियो में इसी सीरीज के बताया था कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को देखो, क्विक जाके देखो गाइज। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और मान लेते हैं कीवर्ड मेरा है ये वाला, मान लेते हैं ये मेरा कीवर्ड है हेडफोन्स अंडर 800। अब इस कीवर्ड पे आप एक घंटे के अंदर कैसे कंटेंट को लिख सकते हो 1500 से 2000 वर्ड का, तो देख लो कैसे मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले गाइज मैं कॉपीमैटिक पे जाऊँगा, और मैं तीन यहां से टूल उठाऊंगा। नंबर वन इज द ब्लॉग टाइटल, सॉरी ब्लॉग लिस्टिकल टाइटल, इसको मैं ओपन करूंगा लाइक दिस अलग टैब में। फिर मैं ब्लॉग इंट्रोज को ओपन करूंगा, और उसके बाद मैं ओपन करूंगा, जस्ट अ मोमेंट,
ब्लॉग कंक्लूजन एंड देन पैराग्राफ राइटर. सॉरी मैंने तीन बोला था, बेसिकली हम चार ऑन करने वाले हैं. सबसे पहले होगा ब्लॉग टाइटल. ब्लॉग टाइटल में हमें क्या करना है गाइस, मैंने इसको यूके कर लिया क्योंकि इंडियंस ऑडियंस को टारगेट करना है तो यूके इंग्लिश होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपका व्हाट इज द ब्लॉग पोस्ट अबाउट हेडफोन्स अंडर 800 टुडे. मैं यहाँ पर इसको हिंट देता हूँ कि आज मैं इससे क्या लिखवाने वाला हूँ. टुडे इन दिस पोस्ट आई विल राइट अबाउट हेडफोन्स अंडर 800 जनरेट. दैट्स इट, फ्यू सेकंड्स के अंदर 100. देख रहे हो. तो गाइस इसने आपको दे दिया है कि आप किस तरीके से अपना जो ब्लॉग का टाइटल है वो लिख सकते हो. फाइव बेस्ट हेडफोन्स अंडर 800, कॉपी कर लो इसको. कॉपी कर लिया. या थ्री बेस्ट हेडफोन्स अंडर 800, सेवन रीजंस टू बाय गुड हेडफोन्स, व्हाटएवर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से लेना चाहिए, जस्ट गो फॉर इट. यहाँ पर जाओ, अपने ग्रामरली में जाओ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लो. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक हेडलाइन. मान लेते हैं ये हेडलाइन हो गया. अब इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट जाऊँगा इस टूल पे, ब्लॉग इंट्रो. इंट्रो कराना है तो गाइस इंट्रो पे टाइटल ऑफ द ब्लॉग आर्टिकल पे आप वो अपना टाइटल लिख दो जो कि मैंने यहाँ पर यहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया दिस वन. ठीक है, जो भी यहाँ से उठाया वो आपने यहाँ पर लिख दिया. अब आप इसके बारे में इससे किस तरीके का इंट्रो लिखवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर बता दो. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस तरीके का इंट्रो कॉपी यहाँ पर जो दिया था मैंने यहाँ पर लिखवा दिया. जनरेट कर दो. जैसे आप जनरेट करोगे तो गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. देखते जाओ मैं क्या क्या करते जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देना है. तो अब यहाँ पर आपको पढ़ना है गाइज, इतने सारे ऑप्शन मिल गए हैं कि आप में कौन सा बढ़िया लग रहा है, मतलब आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है आप एक बार देख लो. तो फॉर एग्जाम्पल जिसमें ज़्यादा कंटेंट हो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन मुझे पढ़ के भी देखना है कि कहीं वो मेरे कंटेंट से भटक तो नहीं रहा है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उससे अलग तो नहीं है, ये भी देखना है. तो इट इज़ ट्रू दैट एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन अवर मोबाइल डिवाइसेज एंड लेस टाइम एट होम, हेडफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स. नहीं, ये पूरा अच्छा नहीं लग रहा मुझे. हेडफोन्स आर एन इंपॉर्टेंट एक्सेसरी फॉर म्यूजिक लवर, आफ्टर ऑल हाउ यू कैन एंजॉय योर फेवरेट ट्यून्स विदाउट द राइट पेयर ऑफ हेडफोन्स, बट विद सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू हाउ वगैरह वगैरह वगैरह. ये डॉलर्स है गाइस, डॉलर्स को हमें नहीं करना है बिकॉज हम डॉलर नहीं करेंगे यहाँ पर. हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको. कॉपी करने के बाद सीधा ग्रामरली पे गए, हमने इंट्रो लिख दिया. जैसे मैंने इंट्रो लिखा ना गाइस, ये है वो ऑप्शन जिस ऑप्शन पे ग्रामरली मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मेरे कंटेंट को सजाने में और ज़्यादा यूनिक बनाने में. नंबर वन, ये किस टाइप का कॉन्टेंट लिख रहा हूँ गाइज, मैं ये एक जनरल कंटेंट लिख रहा हूँ. जनरल कंटेंट पे क्लिक कर दिया. ठीक है, इंटेंट क्या है गाइज, इंटेंट मेरा मतलब मेरी नीयत क्या है इस कंटेंट को लिखने का. तो गाइज मैं ऑडियंस को ना कन्विंस करना चाहता हूँ. कन्विंस मतलब एफिलिएट मार्केटिंग है ना. एफिलिएट मार्केटिंग में आप सेल करते हो, सेल करने के लिए कन्विंस करना होता है, तो कन्विंसिंग कंटेंट होना चाहिए. तो आप जो मुझे सजेशन देगा ना कि इस टाइप के वर्ड्स को यूज करो, वो बिल्कुल कन्विंसिंग टाइप के कंटेंट के वर्ड्स होंगे. ठीक है, तो अब कन्विंसिंग हो गया. ऑडियंस कौन है मेरी, ऑडियंस मेरी जनरल ऑडियंस है. जनरल मतलब मैं मेरे कंटेंट पे कोई भी आ सकता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ऑडियंस नहीं है, अदरवाइज अगर मैं नॉलेजेबल कर दूंगा तो ये वोकैबुलरी ना उस टाइप का यूज़ करेगा कि यहाँ पर तो नॉलेजेबल या एक्सपर्ट लोग ही आते हैं. नो, ऐसा नहीं है. और फॉर्मेलिटी करना है आपको, नहीं मुझे इनफॉर्मल रहना है. मतलब मुझे ये दिखाना है कि मैं अपने ऑडियंस के साथ काफ़ी इनफॉर्मल हूँ. हे दोस्त, कैसा है भाई तू, मैं बढ़िया हूँ, तू बता. तो इस टाइप का इनफॉर्मल एक अपना ऑडियंस के साथ ना आपको बिहेवियर रखना है. दैट्स इट, डन. अब देखो ये जितनी भी सजेशन देगा ना आपके बिल्कुल इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होगा. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट को ना आप एक काम करो एसेंशियल कर दो. ठीक है, और फेवरेट की स्पेलिंग ये कर दो. ठीक है, और दैट्स वाई को हटा दो, दैट्स वाई यहाँ पर सूट नहीं कर रहा. और फोर अंडर करना है, और यहाँ पर आपको डॉलर्स हटा देने हैं, यहाँ पर आपको रुपीस कर देना है. दैट्स इट. ठीक है, पेयर ऑफ को हटा दो, ये कह रहा है. तो अब जो कंटेंट है ना ये बिल्कुल उस तरीके का कंटेंट है जो कि आपको उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको चाहिए था. मतलब एक तो इनफॉर्मल कंटेंट हो और जनरल ऑडियंस के लिए हो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आपका वो बिल्कुल यूनिक बनने की राह पे चल रहा है. तो ये फर्स्ट मेरा जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ से मिल गया है, मेरा इंट्रो मिल गया है. अब मुझे पैराग्राफ लिखने हैं. अब मुझे कंक्लूजन तो लास्ट पे लिखना है. अब मुझे पैराग्राफ लिखना है. तो अब मुझे पैराग्राफ में क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपना वो चाहिए लाइक हेडलाइन. कॉपी किया. अब जो हो गया ना, जैसे ब्लॉग इंटर हो गया, ब्लॉग इंटर को बंद कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर टाइटल ऑफ अ ब्लॉग फाइव बेस्ट हेडफोन्स अंडर 800. अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल सब हेडिंग में क्या लिखना है. सब हेडिंग में आप अपना कंटेंट का कोई भी एक पार्ट लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हेडफोन्स आर द एसेंशियल एक्सेसरी ऑफ एन म्यूजिक लवर, आफ्टर ऑल हाउ कैन यू एंजॉय द फेवरेट ट्यून्स. ओके, आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ द फाइव बेस्ट हेडफोन्स. कॉपी, एंटर, जनरेट. मतलब AI से लिया हुआ कॉन्टेंट को ही मैंने यूज कर दिया यहाँ पर उसको और आइडिया देने के लिए कि मुझे मेरे लिए क्या निकाल के दो एज अ कॉन्टेंट. ओके, सो नाउ लेट्स जनरेट द कॉन्टेंट फर्स्ट. तो इस तरीके से इसने कॉन्टेंट निकाल के दे दिया. तो गाइज यहाँ पर ना डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम हो, डोंट यूज इट.
उस वाले कंटेंट को हमें नहीं लेना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपना अलग अलग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट हेडफोन्स अंडर 800 रुपीज, दीज हेडफोन्स आर ग्रेट फॉर एनी म्यूजिक लवर। नहीं, इसमें भी नहीं, द फर्स्ट ऑप्शन इज द, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना इसने बना बना के दे दिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड द लिस्ट ऑफ हेडफोन्स अंडर 800 रुपीज ऑफ द क्रेट, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको, इतना कॉपी कर लिया, गो बैक हियर, एंटर, ठीक है। फिर से इसने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, अब उन ऑप्शंस को कैसे टिक करना है यू चेक, क्योंकि आपने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम हटा सकते हैं यहाँ से और इसके सजेशंस को आंख बंद करके ले सकते हैं। अब मेरा कंटेंट जो है यूनिक बनने की राह पे है, लाइक दिस, देख रहे हो कितनी आसानी से इसने। अच्छा, अब इस तरीके से मैं कॉन्टेंट को आगे बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। अब जैसे कि ये कॉन्टेंट किस चीज़ पे है गाइस, 5 बेस्ट हेडफोन्स अंडर 800, ठीक है। तो आपको 5 बेस्ट हेडफोन्स के ना नाम निकाल कर रखने पड़ेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आप अपने ऑडियंस को वो कौन से 5 बेस्ट हेडफोन्स देने वाले हो। तो वो 5 नाम आपके पास होने चाहिए ना, तो वो 5 नाम पहले निकाल लो, और निकालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आना है पैराग्राफ राइटर पे और उनके नाम टाइटल पे देने हैं। मैं एक करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। लेट्स गो टू अमेजोन और मैं यहाँ पर हेडफोन्स पे चलता हूँ, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला हेडफोन है, मान लेते ये वाला हेडफोन्स है, तो इसका फर्स्ट का नाम दे दो आप, कॉपी, नाम कॉपी कर लिया, और गो टू द, मैं ये भी बंद कर देता हूँ, टाइटल भी बंद कर देता हूँ सो दैट हम कंफ्यूज ना हो। और इसके बाद मैंने यहाँ पर नाम दे दिया और सब हेडिंग पे मैंने यहाँ से थोड़ा सा लाइन उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा लाइन मैंने यहाँ से उठा लिया लाइक दिस, ठीक है। एंटर, वेट। अब जैसे आप वेट करोगे ना गाइज, अब यू विल सी कि कैसे इसने आपके लिए कॉन्टेंट बना के दे दिया लाइक दिस। एआई टूल है तो थोड़ा सा आपको फैक्ट चेकिंग खुद करना पड़ेगा कि क्या वो जो बोल रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में वो ठीक है, आपको ये फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एआई टूल्स पे ना 100% एक्यूरेसी हम आज के डेट में बिलीव नहीं कर सकते, मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते। आने वाले 2-4 साल में टेक्नोलॉजी और बढ़ जाए, एआई बहुत एक्यूरेट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में मैं इसकी एक्यूरेसी पे संदेह करूंगा, इसलिए मैं पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि इसने लिख के दे दिया दैट इज समथिंग वेरी बेस्ट फॉर मी, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा ब्लाइंडली। मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आई विल बी डिसाइडिंग कि मुझे कितना लेना है और कितना छोड़ देना है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट पेयर ऑफ हेडफोन्स दैट विल प्रोवाइड यू विद आवर्स ऑफ लिसनिंग प्लेजर, ठीक है, कॉपी, मुझे लग रहा है कि इसने सही लिखा है, कॉपी, कम हियर, और मैंने यहाँ से इस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट कौन सा था, ये प्रोडक्ट था ये वाला, है ना, ओके, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है इसके बारे में, ओके। आई होप गाइस आपको चीज़ समझ आ रही है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो हर एक का इसने मुझे अपना अपना वो भी दे दिया, सजेशंस मुझे यहाँ से मिलते जा रहे हैं, बहुत इजी सजेशंस दे रही है मुझे और मेरा कंटेंट बनता हुआ जा रहा है। नाउ गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा कंटेंट जो है देखते देखते आपके आंखों के सामने बन गया, ना आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, ना आपको ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपना दिमाग लगाया क्या लिखूं, सब कुछ मिलता हुआ जा रहा है। खाली आपको सिर्फ इसमें स्क्रूटिनी करनी है, देखना है कि कितना सही है कितना गलत है, दैट्स इट, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है, देखो आपके सामने 186 वर्ड्स का कंटेंट बिल लिखा जा चुका है, 186 वर्ड देखते देखते कितना मिनट हुआ हमें, ठीक है। ऐसे ही आपको 1500 वर्ड तक जाना है, सिंपल है। यहां पर सिर्फ एक ही अभी मैंने लिया है, इसके बाद तो 5 जाने हैं, 5 मतलब 5 और होंगे, तो इसका मतलब ये बढ़ता जाएगा। ये एग्जांपल दिया था मैंने कि इस पे कैसे काम करना है, वेरी इजी, बहुत आसान था। अब इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लेते हैं 1500 वर्ड आपने लिख लिया, अब आपको सिंपल ना सारे करेक्शन के बाद बता रहा हूँ, एक बार करेक्शन सारे करा लेना है, इसके बाद आपको प्लेजरिज्म पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेजरिज्म पे क्लिक करोगे, इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। नाउ गाइस आपका ये पूरा कंटेंट जो है ना, ये 13% प्लेजरिज्म है, 13% कौन सा लाइन, ये लाइन आपके आंखों के सामने है, मतलब पूरे कंटेंट का 13% प्लेजरिज्म है, यहाँ से उठाए हैं एआई ने। अब एआई क्या करता है, एआई अपने आप में कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको पता है कि क्या लिखना है, वो क्या करता है आपके कीवर्ड पे, आपके बताए सजेशंस पे, मतलब जो आप वहाँ पर सब हेडिंग एंटर करते हो, वो दुनिया घूमता है, देखता है किस टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, उस कंटेंट को वहाँ से पिक करता है और उस पर रीराइटिंग शुरू कर देता है अपने अकॉर्डिंग। तो अब ये क्या हुआ है, 13% जो टेक्स्ट है वो एज पर ग्रामरली प्लेजराइज्ड है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन लाइंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस लाइन को चेंज कर देना है, क्यों, क्योंकि इस लाइन में आपका प्लेजरिज्म है। अब जैसे आप इसको चेंज कर दोगे देन प्लेजरिज्म हट गया, गूगल क्या, गूगल के पापा की हिम्मत नहीं है कि आपको ये पकड़ ले कि ये एआई सॉफ्टवेयर से लिखा हुआ कोई कंटेंट है, तो किसी तरीके का कोई पेनल्टी पॉसिबल नहीं है। अगर पेनल्टी पॉसिबल होती तो गाइज मैं आपको प्रूफ देके कैसे चलता कि मैं खुद अपने साइट के लिए loudreview.in में जाओ ना, खुद जाओ, अब देखो loudreview.in पे 100% जो कंटेंट है यहाँ से लिखवाया गया है। हाँ, 20% हम मैनुअल ऐसा काम कर लेते हैं, जो कि करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ही आप ऑटोमेशन टूल पे अगर फेथ करना शुरू कर दोगे या उस पे डिपेंड हो जाओगे तो फिर गाइज इस दुनिया में हर कोई ऐसे ही करके कमा लेता ना। तो 20-30% तक आपका काम रहेगा, आप करते रहना, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो इस तरीके से आप
आगे का काम कर लो। ये कुछ लाइन है, इन लाइंस को चेंज कर दो। जैसे आपको लग रहा है हेडफोन्स आर एन एसेंशियल एक्सेसरी फॉर एन म्यूजिक लवर, तो इसमें से एसेंशियल वर्ड को आप चेंज कर दो। इफ़ यू वांट आप इसको चेंज कर दो, आप एक्सेसरी वर्ड को चेंज कर दो, आप क्या करना चाह रहे हो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो यहाँ से, एंड देन इट विल बिकम योर न्यू कॉन्टेंट। आप नया कॉन्टेंट इसको बना लोगे, ठीक है। देख रहे हो गाइस, हालांकि पूरा ट्रैफिक मेरे पास फ्री आएगा अगर ये रैंक कर गया तो, पूरा ट्रैफिक मेरे पास फ्री आएगा और दिखाया मैंने फ्री आ रहा है। तो गाइस इतना फ्री पॉसिबल है, लेकिन उस फ्री ट्रैफिक को लाने के लिए, लाइफ टाइम उस फ्री ट्रैफिक को लाने के लिए मैंने इन्वेस्ट तो किया ना, बहुत कम किया लेकिन किया। 3,000 रुपये मेरा महीने का कॉपीमेटिक हो जाता है, तकरीबन 3,000 रुपये जाता है, और 10,000 रुपये पूरे साल का मैंने ग्रामरली को दिया है। तो यानी अगर ग्रामरली को 10,000 दिया है तो ग्रामरली ने लिए मुझसे 800 रुपये महीने का, तो 4,800 मतलब तक, चलो मैं एवरेज 5,000 मान लेता हूँ। 5,000 पे करके मैं लाखों रुपये का ट्रैफिक उठा रहा हूँ, 5,000 पे करके लाखों रुपये का ट्रैफिक उठा रहा हूँ, तो ये जस्टिफाइड है, इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों रुपए का दुकान लगा लो, लाखों रुपए का केमिस्ट का शॉप लगा लो, लाखों रुपए का रेस्टोरेंट खोल लो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जस्टिफाइड है गाइस। विदाउट इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है किसी टाइप के बिजनेस को करना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर 1800-2000 वर्ड का कॉन्टेंट लिख लिया, जाओ पोस्ट बनाओ, पब्लिश करो, दैट्स इट, और फिर उसका SEO करना शुरू कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे पोस्ट को पब्लिश किया जाता है, इनर अगेन वाइज सेंस में, अच्छे तरीके से। पोस्ट पब्लिश करना तो बहुत आसान है, जाओ कॉपी पेस्ट करो, मतलब पेस्ट करो पब्लिश कर दो, नहीं ऐसे रैंक नहीं कर पाओगे, ऐसे आप वाला रिजल्ट नहीं ला पाओगे जिस रिजल्ट्स को हम आपको यहाँ पर शो कर पा रहे हैं। उसका भी तरीका अगर सीखना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, लाइक अगर नहीं करोगे तो गाइज मैं वीडियो लाने में थोड़ा सा आलस कर जाऊंगा, लाइक ज़्यादा होगा तो गाइज मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा इस सीरीज के अंदर। लाइक मेरे लास्ट वीडियोज में आप लोगों ने बहुत कम दिखाए, जितने लोगों ने दिखाया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जितने लोगों ने नहीं दिखाया दैट्स द रीज़न कि मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन सा फील होता है कि इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी, अपना सीक्रेट देने के बाद भी आप लोग लाइक भी नहीं कर पा रहे, जो कि आपके लिए फ्री है, तो डीमोटिवेशन तो होगा ही ना। तो गाइस जल्दी से लाइक ठोको और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।